Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. This is a video for class 4, subject science. Chapter number 4, the name of the chapter is Adaptation in Animals. In previous video, we have discussed about the adaptation of animals. Adaptation in animals living in different habitat. पहले जो वीडियो बना था उसमें एनिमल्स के लिए डिफरेंट हैबिटेट में कैसे रहते हैं या उनकी बॉडी फीचर्स कैसा बना हुआ था जो उनको वहाँ पे हेल्प करता है या हाउ दे अडॉप्ट टू लिव इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, है ना। अब नेक्स्ट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर द फीडिंग। फीडिंग के लिए या किसी जगह पर अगर कोई एनिमल्स अपने आप को सर्वाइव कर रहा है तो वहाँ के हिसाब से वो अपने खाने पीने का चीज़ों का खाने पीने का जो जो चीज़ें उसको चाहिए या सर्वाइव करने के लिए जो जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होता है उसी हिसाब से वो उसको खाते पीते रहते हैं ताकि वो जिंदा रह सके, है ना। तो लेट स्टार्ट इन बुक पेज नंबर 42 एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर द फीडिंग। एनिमल्स फाइंड देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और अदर एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। एनिमल्स कैन बी ग्रुप एज द हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। एनिमल्स फाइंड देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ज़्यादातर अपना फूड कहाँ से कलेक्ट करते हैं, या तो प्लांट प्रोडक्ट्स लीव्स ग्रास खाते हैं या तो वो एनिमल अदर एनिमल्स के प्लेस खाते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट द एनिमल्स कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू द फूडिंग हैबिट। फूडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप हैव सम स्पेशल फीचर इन देयर टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम टू गेट एंड ईट द फूड। एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप, ये जो तीनों ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, इनके बॉडी में या इनके अंदर एक स्पेशल फीचर्स होता है, कहाँ पे, इनके टीथ में या उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो उनको उसी के अकॉर्डिंग खाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं और उनको डाइजेस्ट करने में उनको हेल्प भी करता है। तो एडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स। द वर्ड हर्ब रिलेट्स द प्लांट। हर्ब हर्ब मीन्स क्या होता है, प्लांट्स। हर्ब जो वर्ड है वो प्लांट से रिलेटेड है, तो हेंस प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। काउ, डियर, हॉर्स, डंकी, बफैलो एक्सेट्रा आर द हर्बीवोर्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम हर्बीवोर्स, काउ, डियर, हॉर्स, डंकी एंड बफैलो एक्सेट्रा। दे हैव शार्प कटिंग इंसाइसेस एट द फ्रंट एंड फ्लैट ग्राइंडिंग प्रीमोलर्स एंड मोलर्स एट द बैक। द सीड ईटर बार्ड्स सच एज पिगॉन हैव शॉर्ट हार्ड बीक फॉर क्रैकिंग द शेल। ओके, अब हम देखते हैं हर्बीवोर्स जो होते हैं दे हैव, उनके माउथ में या उनके टीथ किस तरह बना होता है ताकि उनको घास पत्ती या प्लांट खाने में उनको मदद कर सके। दे हैव शार्प कटिंग इंसाइसेस। इंसाइसेस से आपने पढ़ा था, जो आपका टाइप ऑफ टीथ पढ़ाया गया था, जैसे ह्यूमन बीइंग के टाइप ऑफ टीथ है उसी तरह एनिमल्स के भी टाइप ऑफ टीथ है, ठीक है। तो उनके पास शार्प धार वाले इंसाइसेस है, जो आगे की दान वाली धार होती है घास या पत्ती को काटने में कट करने में उनको हेल्प करता है। फ्लैट ग्राइंडिंग
हमेशा पॉइंटेड स्टार होने के लिए राम मिलता है, जो कि किसी चीज़ को टीयर करने में हेल्प करता है या फाड़ के खाने में हेल्प करता है। इसीलिए तो ज्ञानी इसको क्या कहा जाता है, टीयरिंग भी कहा जाता है ना। तो ये क्या करते हैं, फ्लेस खाते हैं, मांस खाते हैं, तो मांस खाने के लिए उनको टीयर करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस जीव हैज देन दिस लॉन्ग स्टार कैनिस हेल्प देम टू टीयर द फ्लेस ऑफ अदर एनिमल्स एंड इट वेरी इजीली। Then, some carnivore birds like eagle, hawk, owl have curved and hooked beak to tear the flesh. Animals की तरह जो birds हैं, carnivores birds हैं, उनके पास भी क्या है? They have curved and hooked beak. Curved मतलब ये आपका curve हो गया और यहाँ पर hook बना हुआ है, जो क्या करता है, किसी भी खाने की चीज में बड़े आसानी से अपनी चोंच को फंसा लेते हैं और उसको फाड़ के खाने में मदद करता है इनको। और उनके पास क्या है, दे हैव ऑल्सो लार्ज कर्व क्लॉज कॉल्ड टैलेंट्स व्हिच हेल्प देम कैच एंड होल्ड देयर प्रे सच एज रैट, चिक, फिश एंड सम कार्निवोर सच एज लायंस नीड टू रन वेरी फास्ट टू कैच देयर बॉडी। सच एनिमल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स ऑल्सो। एनिमल्स के पास क्या है, डॉग्स हैव कैनिस, ठीक, और उनके पास क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, उनके पास बहुत मजबूत लेग है और स्ट्रॉन्ग बॉडी मसल्स भी है, जो उनको बहुत रन मतलब दे रन वेरी फास्ट, बहुत तेजी से भाग के वो अपने आसानी से प्रे को पकड़ लेते हैं, है ना, उनको पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको वो अपने फूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, मारने के बाद उसको खा लेते हैं। लाइक एनिमल्स बार्ड्स हैव ऑल्सो कर्व एंड हुक बीक, उनके पास कर्व एंड हुक बीक के साथ साथ उनके पास टैलेंट्स है। टैलेंट्स मतलब वो जो होता है क्या, लार्ज कर्व क्लॉज, क्लॉज जो पंजा होता है ना, बड़े बड़े नुकीलेदार नाखून के पंजे होते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो बड़े आसानी से किसी भी प्रे को पकड़ भी सकते हैं, होल्ड भी करते हैं, तो उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ईगल, हॉक एंड हॉक। देन नेक्स्ट एडेप्टेशन इन ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या है, मतलब प्लांट बोथ द एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड प्लेस ऑफ ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ईटिंग को कहा जाता है ओमनीवोर्स। मतलब जो एनिमल प्लेस और प्लांट दोनों चीज़ों को खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो उनको अगर प्लांट में मिल जाए तो भी वो खा सकते हैं, खा के जिंदा रह सकते हैं, अगर उनको फ्लेस मिल जाता है तो भी वो उसको खा के जिंदा रह सकते रह सकते दोनों चीज़ें वो खा सकते हैं। ऐसा नहीं है ज़्यादा हार्मी में उसको अगर प्लांट नहीं मिल गया, उनको अगर फ्लेस दिया जाए क्या वो खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते, फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर कार्डी को अगर घास दे खाने के लिए या प्लांट्स दे खाने के लिए या लीव्स दे खाने के लिए, क्या वो उसको खा के जिंदा रह सकते हैं, नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ओमनीवोर्स जो होते हैं वो दोनों चीज़ों को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको जिस समय जो चीज़ें मिल जाए वो उसको खा के जिंदा रह सकते हैं। हाउ यू एवर हैड ऑफ सर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड केस ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, बियर, पिग, ह्यूमंस एक्सेट्रा आर द ओमनीवोर्स। द एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स आर बियर, पिग, ह्यूमंस, है ना। इनके बॉडी में ऐसी कौन सी स्पेशल चीज होती है जो उनको ये सब चीज़ें खाने में हेल्प करता है, दे हैव बोथ शार्प ब्रॉड टीथ, उनके पास क्या है, दे हैव बोथ शार्प एंड ब्रॉड टीथ टू फीड द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, उनके पास दोनों चीज़ें हैं, शार्प टीथ भी है और ब्रॉड टीथ भी है। ब्रॉड में आपके यहाँ पे आपको बताया गया कि मोलर मोलर्स आर इंसेसर्स हैं और यहाँ पे आपको बताया गया है कैनिस है, तो दोनों तरीके के टीथ किसके पास है, ओमनीवोर्स के पास है, जिसके जरिए वो दोनों चीज़ों को
There are some animals that live on or inside the bodies of other animals to obtain their food. Such animals are called parasites. Leech, mosquito, roundworm, tapeworm, lice are the examples of parasite. Mosquito is the most common parasite. Parasites have software to saw in their food from the body of the host animals. ये क्या करते हैं? इनके पास स्पेशल चीज क्या है? They have software. उनके पास सॉकर होता है, टू शॉक चूजना है इन देयर फूड. इनके फूड को चूज के खाने के लिए इनके पास क्या होता है? सॉकर होता है, है ना. जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए मस्कीटो. आपके घर में मस्कीटो जब देखते हैं, मस्कीटो जब बैठते हैं तो वो आपने सॉकर से क्या करते हैं, खून को सॉक कर लेते हैं या चूस लेते हैं. किससे? दूसरे एनिमल से, चाहे वो इंसान हो चाहे वो किसी और एनिमल के ऊपर जिसको भी काटते हैं उससे क्या करते हैं, वो खून निकाल लेते हैं, खून चूस लेते हैं से वो जिंदा भी रहते हैं क्योंकि वो उनका फूड है. उसी तरह और भी सारे एग्जांपल हैं, लीच है, राउंड वर्म है, टेप वर्म है, जो आपके पेट में छोटे छोटे कीड़े, बच्चों के पेट में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं. जैसे मिठाई ज़्यादा खाते हैं, कुछ होता है, पेट दर्द होता है, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद कीड़े हो जाते हैं. वो कीड़े हमारे पेट से ही तो निकलते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर के फूड से अपना फूड कलेक्ट करते हैं, उसी को खा के वो सर्वाइव करते हैं. तो वो भी तो हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं. तो बहुत सारे ऐसे पैरासाइट हैं जो शरीर के अंदर भी हैं और शरीर के बाहर भी हैं. देन नेक्स्ट वन इज स्कैवेंजर. ठीक है, जैसे ये देखिए, ये आपका लग रहा है लीच और ये आपका टेपवर्म जो आपके पेट के अंदर रहते हैं. नेक्स्ट स्कैवेंजर. स्कैवेंजर क्या है? एनिमल्स दैट ईट द डेड मैटर आर कॉल्ड स्कैवेंजर. कौन होते हैं? जो अदर डेड एनिमल के फ्लेश खाते हैं. कोई भी मरा हुआ एनिमल्स जो सड़ गया हुआ, मरा हुआ, बहुत दिन से पड़ा हुआ, तब भी वो उसको खा लेंगे. क्योंकि यहाँ पे कार्निवोर्स क्या करते हैं, वो खराब फ्लेश को नहीं खाते, वो ज़्यादातर ताज़े फ्लेश को खाने में मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. वो खुद उसको मारते हैं, कहीं खुद उसको खाते हैं. लेकिन स्कैवेंजर क्या होता है, वो मारते नहीं है, वो पड़ा हुआ कहीं भी सड़ा हुआ कोई भी फ्लेश खा के वो जिंदा रह सकते. द एनिमल सीक द प्लेस ऑफ डेड एनिमल. जो एनिमल डेड एनिमल के प्लेस खाते हैं उसे कहा जाता है स्कैवेंजर. ठीक है, उनके पास क्या है, दे हैव लॉन्ग शार्प टीथ. उनके पास ज़्यादातर लॉन्ग शार्प टीथ होता है उस एनिमल्स के पास, जो उनको खाने में डेड एनिमल्स को प्लेस खाने में हेल्प करता है. देन बर्ड्स, जो स्कैवेंजर बर्ड्स है, दे हैव कर्व एंड हुक बीक लाइक वॉचर. उनके पास कर्व एंड हुक बीक लाइक, यहाँ पे आपने पढ़ा था लालीगोर्स के पास से, उस तरह के बीक होते हैं, चोंच होते हैं और स्ट्रांग क्या होता है, क्लॉज होता है, टैलॉन्स होता है, जिससे कि वो डेड एनिमल को फ्लेश को आराम से खा सकते हैं. देन नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ दिया है, स्क्विरल एंड सम बर्ड्स आर फिट ओनली ऑन द नट्स एंड सीड्स आर कॉल्ड ग्रैनिवोर्स. ग्रैनिवोर्स एक अलग टाइप के, मतलब अलग कैटेगरी के एनिमल्स आते हैं. जो क्या है कि वो ज़्यादातर खाते तो हैं लेकिन ज़्यादातर चीज़ें क्या इस्तेमाल करते हैं खाने में, सीड्स एंड नट्स. ठीक है, जो पेड़ फल का जो बीज होते हैं वो चाहे कड़ा हो, जितना भी हार्ड हो, उस बीज को तोड़ के वो उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं. ज़्यादातर अपने खाने में सीड्स एंड नट्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाता है ग्रैनिवोर्स. स्कैवेंजर्स आर कॉल्ड नेचर क्लीनर. ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं इनको नेचर क्लीनर कहा जाता है. क्यों? क्यों? बिकॉज दे क्लीन द एनवायरनमेंट बाय गेटिंग द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारे एनवायरनमेंट में जो गंदगी फैलता है, जो सड़ा हुआ डेड एनिमल्स के बॉडी पड़ा रहता है या डेड एनिमल्स डेड प्लांट्स पड़े रहते हैं, वो उसको खा के साफ कर देते हैं. इट मीन्स वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, इसलिए उनको एनवायरनमेंटल क्लीनर भी कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द केयर फॉर एनिमल्स. अब तो आपने एनिमल्स के बारे में, उनके फूड हैबिट के बारे में, उनकी लिविंग हैबिट के बारे में तो जान लिया है. अब एनिमल्स के लिए हम, जब एनिमल्स हमारे लिए नेचर क्लीनर है तो हमारे भी उनके लिए कुछ ना कुछ फर्ज बनता है. हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या हम उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं. हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ द एनिमल्स. एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स. वो हमारे फ्रेंड्स है. दे हैल्प अस इन मेनी वेज. वो हमें अलग अलग बहुत सारे वेज में हेल्प
ज़्यादातर कुछ फूड ऐसे होते हैं जो एनिमल्स फूड होते हैं, वो हमें एनिमल्स से ही तो मिलता है। जैसे आप मिल्क पीते हो, मीट हो गया, एग हो गया, हनी हो गया, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलता है, ये एनिमल्स प्रोडक्ट फूड है। तो एनिमल्स लाइक डॉग, गार्ड और हाउसेस, वाइल्ड डर्की, एलिफेंट एक्सेट्रा कैरी लोड्स फॉर अस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एनिमल्स लाइक जैसे पेट एनिमल जो आप लोग घर में पालते हो, जानवर पालते हो, डॉग हो गया, डॉग आप घर में क्यों पालते हो, क्योंकि वो आपके घर के रखवाली करता है, वो आज गार्ड का ड्यूटी करता है। देन डंकी एंड एलिफेंट कैरी द लोड्स फर्स्ट, डंकी एलिफेंट ये सब क्या करते हैं, हमारे घर के सामान कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। देन हॉर्स ऑक्स कैमल फुल गार्ड फॉर अस, हॉर्स ऑक्स एंड कैमल ये क्या करते हैं, हमारे लिए गार्ड फुल करते हैं। जो आपने देखा होगा गाँव में बैलगाड़ी होती है, यहाँ से हमें टांगा होता है, वो सब कौन खींचता है, वो एनिमल्स ही खींचते हैं, तो वो हमारे लिए वो दे पुल द गार्ड फॉर अस। उसमें क्या खाली वो खींचते हैं, उसमें भी तो हम लोग सामान ढोवाते हैं उनसे। देन हेल्पफुल सॉरी वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म कूल फ्रॉम द सिल्क बोट, और हम लोग जो सिल्क के कपड़े पहनते हैं, जिसमें हमें सिल्क के क्लॉथ आप पहनते हैं, वूलन क्लॉथ पहनते हैं, वो सारे सिल्क और ऊन कहाँ से आता है, वो भी एनिमल से। जैसे शीप वूलन क्लॉथ जो यूज़ करते हैं वो शीप के फर से निकाला जाता है, जो फर है उसके बॉडी में उसी को निकाल के हम लोग उससे गर्म पोशाक बनाते हैं, है ना। लाइक दिस सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा।